hi my name is chintan pandya i am the executive chef of junoon new york city uh, my career as a chef started at the age of 16 years when i went to my dad and mom and told them that i want to become a chef and i want to enroll in a hotel management school i was expecting a lot of uh, negative emotions from them but in fact they were very supportive i come from a brahmin family uh, we are vegetarians we cook only vegetarian food at home they knew I'm going to cook non vegetarian food, going to eat non vegetarian food, but they never even budged an inch about it. And I'm very thankful to them. They are very supportive of it. Uh, I come from Mumbai. Uh, Mumbai is a city where you hustle a lot, and the word jugad comes into play. So everything in Mumbai is about jugad. So life teaches you a lot of lessons to be jugadu and go to different parts of the world and be successful in life.

और मैं ठहरा बावरची वो चलना नहीं था मेरे साथ तो मैंने बोला आप क्या करो? एंड दैट्स वेयर आई सेट के लेट्स लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी और फिर मैं गया सिंगापुर मैं सिंगापुर में चार साल था एक रेस्टोरेंट में एज अ शेफ़ पार्टनर चार साल में हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया एज़ अ रेस्टोरेंट एज अ कॉन्सेप्ट एज एवरी थिंग एज़ पर्सनली ऑल्सो मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की अपार्ट फ्राम मनी ऑबियसली और uh, फिर मैं बोला अब क्या करना है एंड नैक्स वो बैक टू इंडिया मैं अपना कुछ खुद करूंगा एंड बी यू नो लाइक अंतरप्रोनर एज अ स्टार्टअप और उस बीच में एक तंदूर के वजह से मुझे यू एस ए आने का मौका मिला मैं इसे किस्मत का खेल बोलता हूँ कि जो सब कुछ है ये डेस्टी में घूमते रहता है एक तंदूर के वजह से मैं सिंगापुर गया वहाँ से मैं यू एस ए आया यू एस ए से, से आके मैं नए नए लोगों से मिला इनफैक्ट मैं यू एस आया दो हज़ार तेरह में और मैंने मेरा काम चालू कर दिया ऑन यू नो एवरीथिंग आई वॉज डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट एज अ फास्ट कैजुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड आउट ऑफ क्लीवलैंड और उस बीच में मैं काम के लिए 2014 में न्यूयॉर्क सिटी आया और जैसे बोलते हैं ये सिटी का अलग ही चाम है तो मुझे अपनी लाइफ की जो चाम है मेरी लाइफ पार्टनर फ्यूचर लाइफ पार्टनर न्यूयॉर्क सिटी में मिली आज भी हम आर्ग्यू करते हैं उस बारे में कि हम कैसे मिले क्योंकि उसने मुझे दो घंटे विंटर में रुकाया था यहाँ पे इट वाज मार्च फिफ्टीथ टू बी प्रिस मार्च 15 टू थाउजेंड फोटीन एंड आई एम श्योर शी इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द टेबल्स ओवर ईयर सो प्लीज़ यू कैन लुक एट हर एंड पॉइंट फिंगर्स एट हर हर नेम इज़ नम्रता जानी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ हम दोनों बड़े पोल्स पार्ट है बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ मी यू नो शी इज हेल्प मी थ्रू एंड थ्रू एज अ पार्टनर एज अ करियर पार्टनर एज एवरी थिंग एज अ फ्रेंड शी इज़ हेल्पिंग मी नाउ एंड वी आर ग्रोइंग टुगेदर बहुत लोग मुझे पूछते कि यार तू शेफ़ क्यों बना वाई द थिंग अबाउट शेफ़ तो पहले मैं उनको दो जवाब देता हूँ मैंने बोला भाई साहब दो ही आंसर है इसके पहली तो आप मेरी साइज़ देखिए तो मैं एक शेफ़ ही बन पाता हूँ मुझे फ्री में खाना मिल जाता है पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं और दूसरी बात यह है कि मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन है इस वर्ल्ड का आप खाना खिला रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो अब इससे ज़्यादा अच्छा तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता तो मैंने बोला इसी वजह से मैं शेफ़ बनाऊँ एंड ऑबियसली आई लव कुकिंग आई लव टू डू न्यू थिंग्स विद फूड जुनून में हमारा एक ही मकसद है कि जो इंडियन फूड है उसकी हम इमेज है मार्केट में जो इमेज है आज वो बड़ी लो क्वालिटी फूड की है uh, क्योंकि लोगों ने जो खाना बनाया इसके पहले या जिन्होंने बनाया बड़े सक्सेसफुल भी हुआ ऐसे नहीं है कि नहीं हुए सक्सेसफुल भी हुए पर उन्होंने इमेज टार्निश कर दी इंडियन फ़ूड की उन्होंने कहा इंडियन फूड इज़ अ चीप फूड जुनून में हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम उस खाने को ले और उसको उस लेवल पे पहुंचाए हमारा जो खाना है वो राजा महाराजाओं का खाना है इट्स अ रॉयल फूड सो रॉयल फ़ूड भी है कॉमन मैन का भी फूड है सबका फूड है पर हमें उसे दर्जे पे पहुंचाना है तो जुनून में हमारा एम ही ये रहता है कि वील टेक द इंडियन फूड टू अ नेक्स्ट लेवल हम कैसे करते हैं हम अलग कुकिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम अलग तरीके के इंग्रीडियंट्स यूज़ करते हैं सभी तरीके की चीज़ें हम यूज़ करके हम इस खाने को और एक एक्सपीरियंस आपको नया देते हैं आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए हमारा जो ऑम्बियंस है वो अलग तरीके का है हमारे जो बेवरेजेज़ है वो अलग तरीके है सब कुछ अलग तरीके का है तो जुनून एक अलग तरीके का इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको लगेगा कि आप राजा हो या रानी हो जब वहाँ डाइन करते हो थैंक यू